नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश 8 अप्रैल बुधवार सुबह पंजाब की खास खबरें। पंजाब में कोविड 19 संक्रमण के 20 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 99 पहुंच गया है। इन नए मामलों में 3 लोग तबलीगी जमात के कार्यक्रम से शामिल हुए थे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 65 वर्षीय सेवानिवृत्त इंजीनियर की मृत्यु के बाद मृतक की संख्या में भी इजाफा हुआ। मोहाली में 7 नए मामले मिलने के साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 26 पहुंच गई है, जो राज्य में सबसे अधिक है। उसके बाद नवांशहर 19 मामलों के साथ सूची में दूसरे नंबर पर है। मोहाली जिले में 7 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। ये सभी 7 कोरोना संक्रमित मामले एक ही गाँव के हैं। जिले की तहसील डेरा बस्ती के गांव जवाहरपुर के कोरोना संक्रमित पंच और सरपंच के परिवार से ही 7 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद मोहाली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 26 पहुंच गई है। साथ ही मोहाली पंजाब में पीड़ितों की संख्या के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गया है। पंजाब में अब सरकार को शंका है कि अगर तबलीगी जमात के लोगों की जाँच करके उन्हें अलग थलग नहीं किया गया तो संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़ सकते हैं। चिंता की बात यह है कि अभी तक सरकार के पास इस बात के आंकड़े नहीं है कि दिल्ली के मरकज में शामिल होकर कितने लोग पंजाब लौटे हैं। कोरोना के खिलाफ शुरू हुई जंग को तबलीगी जमात के लोग कमजोर कर रहे हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी निजामुद्दीन मरकज से लौटे लोग सामने नहीं आ रहे हैं। पंजाब समेत कई राज्यों में जमातियों ने अपना फोन बंद कर लिया है ताकि पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम उन तक नहीं पहुंच पाए। इससे परेशान होकर पंजाब की अमरिंदर सरकार ने जमातियों को अल्टीमेटम दे दिया है। सरकार ने कहा कि अगले 24 घंटे के अंदर मरकज से लौटे लोग जो अभी तक राज्य में छिपे हुए हैं वह नज़दीक के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। अगर वे ऐसा नहीं करते तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने लॉकडाउन के चलते बड़ा फैसला लिया है। सरकार की ओर से सभी स्वास्थ्य केंद्रों और इंस्टीट्यूशन को 24 घंटे के लिए बिना किसी रुकावट लगातार बिजली सप्लाई करने का आदेश जारी किया गया है। यही नहीं, सरकार ने आम लोगों को भी राहत देते हुए बिजली के फिक्स चार्ज घटा दिए हैं। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार ने बिजली बिल भरने की समय अवधि भी बढ़ा दी है। पंजाब में कर्फ्यू की समाप्ति के बाद भी दाखिल होना आसान नहीं होगा। पंजाब सरकार सीमाओं को ऐसे सील करने की तैयारी कर चुकी है कि कर्फ्यू के बाद बाहरी लोग बिना मंजूरी दाखिल नहीं हो पाएंगे। मंजूरी के बाद भी विदेशी या बाहरी राज्य से आए व्यक्ति को 14 दिन एकांतवास में रहना अनिवार्य होगा। उन लोगों को भी एकांतवास में रहना होगा जिनसे विदेश या बाहरी राज्य से आया व्यक्ति मिलने या साथ में रहने जा रहा है। पंजाब सरकार ने स्टेट प्लान फॉर कमिंग ट्रेवल्स तैयार किया है। इसके मुताबिक कर्फ्यू के बाद केवल स्पेशल एंट्री पॉइंट्स से ही दाखिल हुआ जा सकेगा। जिला स्तर पर भी सीमा में निर्धारित रास्तों से ही दाखिल हुआ जा सकेगा। एंट्री पॉइंट्स पर स्क्रीनिंग और पीने के पानी व टॉयलेट्स की सुविधा होगी। बैच निर्धारित किए जाएंगे, यानी गाड़ियों का काफिला या जन समूह चिन्हित किया जाएगा। बैच के आधार पर अंदर या वापस जाने की अनुमति दी जाएगी। किसी ने राज्य में जाकर वापस लौटना है तो तय सीमा के भीतर वापस लौटना होगा। प्लान में समय और जरूरत के हिसाब से बदलाव का भी प्रावधान है। विशेषज्ञ और राज्य सरकारें कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनज़र केंद्र सरकार से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं। केंद्र सरकार भी इस दिशा में विचार कर रही है। सरकार के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। हालांकि सूत्रों ने यह नहीं बताया कि इस बारे में अंतिम फैसला हुआ है या नहीं। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.